हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मिन लाइफस्टाइल। मैं हूँ यास्मिन, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर पूछे जाने वाले ये सवाल होता है कि FHR का मतलब बेबी बॉय या गर्ल, लेकिन एक और सवाल पूछे जाते हैं मेरे से, वो है कि मैम आपने ऐसा क्या खाया था जिससे बेबी बॉय हुआ है आपको। मतलब बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि आप ये चीज़ खाइए तो बेबी बॉय होने का चांसेस है, या फिर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आप ये चीज़ खाना शुरू कर दें। देखिए, आजकल तो लोग ऐसे करते हैं, प्री प्लानिंग करके बेबी कंसीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्लान के बिना ही बेबी कंसीव हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे में क्या करें। और मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि मैंने क्या खाया था और पूरे प्रेगनेंसी में मैं कौन सी चीज़ ज़्यादातर खाती थी, तो जिससे क्या होता है, बेबी का दिमाग भी अच्छा होता है, बेबी का हेल्थ भी अच्छा होता है, तो और माँ भी मतलब स्वस्थ रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे जिसके ऊपर, वो है फ्रूट कम, नट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में नट्स को ज़्यादा कंज्यूम किया है, फ्रूट्स इतना कंज्यूम नहीं किया और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। फिर भी मैंने फ्रूट्स भी खाए थे, लेकिन नट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाए थे, और किस तरीके से खाए थे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, रात को मैंने क्या किया, आमंड इसमें भिगोया और एक कटोरी में मैंने भिगोया इसमें किशमिश। तो आमंड आपको कितना खाना है ये भी क्वांटिटी हिसाब आपको कर लेना है, जैसे कि पूरा दिन में आपको 10 to 20 आलमंड्स जो है कंज्यूम करना है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 आलमंड जो है भिगोया है, और मैंने किशमिश भी सेम क्वांटिटी में मैंने भिगोया है, एक दो ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। तो मैंने ओवरनाइट इसको जो है पानी में सोख करके रख दिया है। अब सुबह उठ के मैं आपको बताती हूँ इसको खाने का तरीका, और मैं अक्सर पूरा प्रेगनेंसी में मैंने ये चीज़ फॉलो किया है। अगर किसी दिन मुझे सुबह खाने का मन नहीं होता तो मैं शाम को ज़रूर खाती थी। यहाँ पर देखिए, किशमिश बहुत अच्छी तरीके से भीग चुके हैं, पूरे फूल गए हैं पानी में भीग के, तो इसको मैं अब अच्छे से पानी से वॉश करके एक प्लेट में ले लूँगी। और आलमंड्स को देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से पानी को सोख कर गया और ये भी बिल्कुल फूल गया है। इसको मैं पिलअप करके उसके बाद जो है मैं इसको खाऊंगी। और एक चीज़ और खा सकते हैं, जैसे कि दलिया, ओट्स, ये सब हल्के फुल्के खाना जो है ना आप खा सकते हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको खाने से आपको बेबी बॉय होगा। एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा कोई चीज़ होता जिसको खाने के बाद आपको बेबी बॉय हो जाएगा, तो कौन ऐसा आदमी होगा जिसको लड़का नहीं होगा, ठीक है ना। सबके घर में लड़का होता, बेबी बॉय होता, ये तो सोचिए ज़रा। ये अल्लाह ताला का मतलब एक नियम है, वो जिसको चाहे लड़का देता है, जिसको चाहे लड़की देता है, तो इसके ऊपर हमारे कुछ भी नहीं चलता, ठीक है ना। कोई भी साइंटिफिक रीज़न इसके ऊपर नहीं चलता। तो हाँ, एक बात तो सच है, अगर आप प्री प्लानिंग करके बेबी कंसीव कर रहे हैं तो ओबियसली आपका शरीर जो है ना मजबूत होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आपका शरीर में इम्यूनिटी होनी चाहिए, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, जिंक ये भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर माँ हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होता है। अगर हेल्दी बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा आफ्टर बर्थ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है, अगर आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर आपको बच्चेदानी में कुछ डिफेक्ट है या फिर यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सुबह क्या कर सकते हैं, जैसे रात को आपने दालचीनी भिगोया, सौंफ भिगोया, उसका पानी सुबह आप पी लीजिए। ऐसा 10 दिन या 15 दिन या फिर पूरा 21 दिन ऐसा कीजिए, दूसरे महीने में आप कंसीव कीजिए, आराम से कंसीव हो जाएगा। और जो कि आप सबका रिक्वायर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, अगर आप चाहते हैं कंसीव कैसे करें, अगर यूटरस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक किया जाए या कंसीव कैसे करें, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूरी बात थी कि मैंने क्या खाया था। तो बस फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यही खाया था। प्रेगनेंसी से पहले भी मैं ये चीज़ खाती थी और पूरा प्रेगनेंसी में मैंने ये चीज़ खाया। हाँ, और नाश्ते में जो है ना, सुबह मैं कभी ओट्स खाती थी, कभी दलिया खाती थी। तो आज इस वीडियो में ओट्स की रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन दलिया मैं कैसे खाती थी उसका रेसिपी जो है इस वीडियो में मैं दिखा दूँगी आपको, आप उस तरीके से बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट खाना होता है, इससे आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न जो है
मतलब मेंटेन रहे, तो आप जो है ना खाने में ये चीज़ शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं मतलब दलिया ले रही हूँ यहाँ पर प्याली में, और ये जो दलिया है ना मतलब ब्रोकन व्हीट होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपका शरीर में जो ना एनर्जेटिक हमेशा बनी रहेगी, जैसे पूरे प्रेगनेंसी में एक सुस्तपन रहती है, कमज़ोरी रहती है, थकान, तो वो सब नहीं रहता। बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करोगे आप, पूरे प्रेगनेंसी जो है ना इन्जॉय करोगे। ये चीज़ मैंने खाई थी। यहाँ पर देखिए ब्रोकन व्हीट ले लिया यानी कि दलिया, इसको मैं बनाऊँगी। मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरा शुगर वगैरह कुछ नहीं है, मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। तो इसके लिए मैं ये दलिया मीठा बनाऊँगी। अगर आप चाहे, आपको अगर मीठा पसंद नहीं है ना, तो आप इसमें वेजिटेबल ऐड करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्राई पैन में मैं दलिया को अच्छे से जो है ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई यानी कि मतलब भून लेंगे हल्का सा, जबकि इसकी खुशबू निकलने लगे तब तक मतलब इसको हमको भूनना है। इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इस तरीके से कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब तक हम इसको भून लेंगे। उसके बाद जो है ना, आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप ओबियसली इसमें दूध डालें, चीनी डालें, नमक डालें। अगर थोड़ा सा आपको चाहिए खुशबू तो इसमें आप इलाच का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट आज मैंने दूध नहीं डाला, पानी, क्योंकि मैं दूध डाल के कभी नहीं खाई थी। और क्यों नहीं खाई थी, उसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में जितना हो सके आर्टिफिशियल चीज़ें, केमिकल वाला चीज़ें ना खाए। और ये जो पैकेट वाला मिल्क आता है ना, इसमें मुझे लगता है केमिकल से भरा हुआ होता है, इसलिए मैं दूध इस्तेमाल नहीं करती थी। पानी डाला, चीनी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, बस हो गया कंप्लीट। आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और आप सबका जो कमेंट आ रहे हैं ना, उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द बनाऊंगी, क्योंकि कमेंट में इतना लंबा कमेंट करके हम आंसर नहीं दे सकते, रूल्स के खिलाफ है, मेरे चैनल पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स नाराज़ मत होना, जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो इसका जवाब लेकर मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगी। और आप चाहो तो और भी कुछ आपको जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम पर आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद मैसेज एक्सेप्ट होता है, बिना फॉलो किए हुए मैसेज एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं खुल के बात करूँगी, सारे सवाल का जवाब मैं दूँगी, जितना मुझे जानकारियाँ हैं तो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हाँ अपना पूरा प्रेगनेंसी को इन्जॉय कीजिए बेझिझक, और अपना शरीर को जो है ना एनर्जेटिक से भरे रहे, ऐसा खाना खाइए और ऐसा चीज़ खाइए जिसमें कि भरपूर प्रोटीन हो, जैसे कि टोफू हो गया, पनीर हो गया, है ना, दूध का बना हुआ चीज़, प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। और हाँ, जो मेन टॉपिक है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको खाने से आपको लड़का होगा।